Good morning, students. My name is Manjeet Singh. Today we are going to do a practical of full adder circuit by using XOR gate and NAND gate, and we have to verify the operation of full adder circuit. And we will do this whole experiment on the multisim. So let's start. तो आज का एक्सपेरिमेंट का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल एडर सर्किट यूजिंग एक्सोर गेट एंड नैंड गेट एंड वेरीफाइड्स ऑपरेशन। और इसको करने के लिए हमें क्या क्या ऑपरेटर्स की जरूरत है, लॉजिक ट्रेनर किट, लॉजिक गेट्स, एंड गेट आईसी नंबर 7408, और गेट 7432, एक्सोर गेट 7486 एंड नैंड गेट 7400। ये हमारे जो एंड और एक्सोर गेट है इनको हम बेसिक गेट्स के साथ अगर हाफ फुल एडर का सर्किट बनाना तब यूज करेंगे। और जैसा कि हमारे एक्सपेरिमेंट में बोला गया है कि हमें एक्सोर और नैंड गेट चाहिए, तो हमें ये दो आईसी ही चाहिए अभी फिलहाल के लिए। लेकिन मैं आपको एंड और एक्सोर के साथ भी बना के दिखाऊंगा कि इसमें क्या है। सो हियर वी हैव अ ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर और टू हमारा जो हाफ एडर था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फुल एडर में हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो तीन है, हाफ एडर के अंदर वो दो थी। तो कॉम्बिनेशन उनके हिसाब से हमारा जो आउटपुट आता, तीन तीनों इनपुट्स के साथ हमारा जो आउटपुट आता है वो है सम एंड कैरी, जैसा कि हाफ एडर के केस में था। सो लेट स्टार्ट। जो पहला केस है हमारे पास, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, सम इज जीरो, कैरी जीरो। जो सी है ये सी आई एन कैरी, जो हमारा सी इनपुट है उसके लिए, क्योंकि दोनों सी से डिनोट हो रहे हैं तो आप इसको सी आई एन लिख सकते हो, और जो कैरी है सी आउट भी उसको लिख सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि या तो आप नाम इसके अलग अलग रख लो, नहीं तो सी अगर लिख रहे हो तो सी आई एन फॉर इनपुट और सी आई फॉर कैरी आउट। तो दूसरा केस हमारे पास ए जीरो बी जीरो सी वन, तो इन तीनों को ऐड करने पे हमारा जो सम है वो वन है और देर विल बी नो कैरी। देन जीरो प्लस वन प्लस जीरो, आंसर इज वन एंड नो कैरी। जीरो प्लस वन वन, प्लस वन टेन, सो सम इज जीरो, कैरी वन। देन वी हैव अ वन प्लस जीरो प्लस जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, प्लस जीरो फिर भी वन ही रहेगा, तो हमारे पास सम आ गया वन एंड नो कैरी। वन प्लस जीरो इज वन, और उस वन को इस वन में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन, तो टेन में हमारा वन कैरी है और जीरो हमारा सम है। देन हियर वी हैव वन प्लस वन विच मेक्स टेन, टेन प्लस जीरो टेन, जीरो फॉर सम एंड वन फॉर कैरी। वन प्लस वन मेक्स टेन, दिस टेन में हम अगर एक और ऐड करें तो इलेवन बनेगा, जिसमें से हमारा एक कैरी होगा और एक सम होगा। तो ये था हमारा फुल एडर का ट्रुथ टेबल और उसका आउटपुट, जिसमें हमारे पास इनपुट था ए बी सी और आउटपुट है सम एंड कैरी। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन, हम इस सर्किट से लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे बनाए। तो हमने क्या देखना है, पहले सम के लिए हमने सिर्फ इनपुट चेक करनी है जहां पे हमारा आउटपुट वन है। फॉर दिस वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। तो हमारे पास फॉर दिस कॉम्बिनेशन, इस आउटपुट के लिए, इस वन के लिए यहाँ पे जो आ रहा है इनपुट क्या थी हमारी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। सी हमारे पास वैसे ही है, कॉम्प्लीमेंट लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज इट्स ऑलरेडी वन। फॉर दिस आउटपुट ऑफ सम वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी एज इट इज और सी कॉम्प्लीमेंट। जहां पे जीरो आएगा वहां पे कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए
यहाँ पे वन है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। देन हमारे पास यहाँ पे एक वन है और हमारे पास ये ए एज इट इज आ जाएगा जैसे यहाँ पे है, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। लास्ट यहाँ पे एक वन है हमारे पास, तो इस केस में तीनों ही हमारे पास जो वंस अवेलेबल है, तो सो वी राइट ए बी एंड सी। उसके बाद हमने क्या करना है, इस वैल्यू से और इस वैल्यू से हमारा जो कॉमन आ रहा है वो है सी कॉम्प्लीमेंट, सी जो हमारा है वो बाहर आ जाएगा कॉमन है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। और अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम बाहर रखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बार बी बार। तो हमारे पास ये हो रहा है एक्सोर गेट, ये हमारे पास एक्सोर का एक्सोर है, एक्सोर का लॉजिक बन रहा है यहाँ पे, और इस केस में हमारा जो है ये एक्सनोर बन रहा है। तो ये हमारे पास एक एक्सोर बन रहा है, दूसरा एक्सनोर बन रहा है। तो हम अगर इनको x सपोज कर लें, इसको हम x कॉम्प्लीमेंट लिख लें, और इसको हम अगर x मान लें इस वैल्यू को, सो व्हाट वी हैव c x कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट x, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये भी एक्सोर लॉजिक बन जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सोर आ गया। तो फाइनल में हमने क्या करना है, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x इज a एक्सोर b, तो x को हमने माना a एक्सोर b, तो हमारा आंसर क्या आएगा c प्लस c एक्सोर ए बी, तो आंसर आ जाएगा हमारा C XOR A XOR B, तो ये हमारा सम का एक्सप्रेशन आ जाएगा बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ गया C A XOR B, अब हमारे पास है C आउटपुट कैरी के लिए, तो कैरी का हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ जहाँ हमारे पास 1 है उस केस में हमने देखना है और इसको करना है। तो अब हमारे पास एक 1 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, फॉर दिस वी राइट The expression, पहले इस वन को चेक कर लेते हैं, फॉर दिस वन वी हैव अ ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी, ओके, देन वी हैव दिस वैल्यू एंड वी हैव टू चेक द इनपुट्स, सो हेयर वी हैव ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, so here we have a b complement c, फिर हम इसको चेक करेंगे इस वैल्यू पे, इस वन के लिए हमारा जो इनपुट है a b और c का कॉम्प्लीमेंट वो यहाँ पे है हमारे पास, then we have input a b and c वन है, तो हम इसको as it is लिख लें। तो इसको सॉल्व करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज के बीच में तो हमारा ए बी कॉमन है, तो हमारा ए बी कॉमन है और अंदर क्या रहेगा सी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, और जब सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी होगा तो हमारा आंसर आता है वन,
according to the Boolean algebra laws, we get one here. So we write AB by multiplying with this one. और यहाँ पे हमारा अगर हम C को बाहर निकाले तो अंदर क्या रह जाएगा A x और B. तो हमारे पास कैरी का एक्सप्रेशन ये रहा. सम का ये है और कैरी यहाँ है. इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इनको इसका बनाना है लॉजिक सर्किट. तो लेट्स सी इसका लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फुल एडर सर्किट बाय यूजिंग बेसिक गेट्स. यहां पे हमारे पास ए, हमने एक एक्सॉर गेट लगाया है. यो ए और बी यहां दोनों जगह में कॉमन है. ए एक्सॉर बी यहां पे जा रहा है. उसके बाद ये एक्सॉर जाएगा सी को, सी के साथ हमने एक्सॉर लेना है. तो एक आउटपुट जो जहां से जा रही है और एक जो सी से इनपुट आ रही है, उन दोनों को एब्जॉर्ब लेके हमारा जो है सम का आउटपुट आ जाएगा. उसके बाद है हमारे पास कैरी का एक्सप्रेशन. इसमें भी हमारे पास ए एब्जॉर्ब भी है, तो हम यहाँ से सिंपली इसका आउटपुट ले सकते हैं जो जा रहा है एंड के साथ. एंड एंड गेट लगाया हमने सी के साथ और ए एब्जॉर्ब बी के साथ. और दूसरा हमारे पास ए और बी एंड वो हमने यहाँ पे लगाया. इन दोनों का आउटपुट हम दोनों जो और गेट है उसको यूज करके यहाँ पे बनाया. ओके, तो इस तरीके से हमारा जो गेट है फुल एडर सर्किट का गेट, फुल एडर सर्किट है, उसको हमने बेसिक गेट्स की मदद से सर्किट बनाया. अब हमारा जो एम था उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना था कि हमने नैंड गेट का यूज करना है और जोर गेट का यूज करना है. ना तो हमें ये एंड गेट चाहिए ना ये और गेट चाहिए, हमें क्या चाहिए नैंड गेट. तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा. हियर वी हैव अ ए बी इनपुट और सी इनपुट. ए बी हमारा एक्सॉर गेट को जा रहा है यहाँ पे और उसका जो आउटपुट है वो हमारा यहाँ पे जा रहा है. और दूसरा जो सी इनपुट है वो यहाँ से है. और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमारा ए बी का जो इनपुट है नैंड गेट को जा रहा है और यहाँ भी हमारे पास जो एक्सॉर गेट से आउटपुट आई है और जो सी से इनपुट आ रही है दोनों को हमने इनपुट बनाया नैंड गेट का और दोनों आउटपुट जो हमारा यहाँ पे जा रहा है. तो इस तरीके से हमारा जो ये लॉजिक सर्किट ड्रॉ होगा बाय यूजिंग नैंड गेट एंड एक्सॉर गेट आईसीस. तो ये हमारा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मल्टी सिम के ऊपर परफॉर्म करके देखना है कि हमारा ये सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो लेट्स सी कि मल्टी सिम के ऊपर ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो अब हमने क्या करना है, मल्टी सिम के ऊपर फुल एडर का सर्किट बनाना है बाय यूजिंग एक्सॉर गेट एंड नैंड गेट. तो हमने यहाँ पे नैंड गेट प्लेस करना है. हमारे हमें तीन नैंड गेट चाहिए, वन टू एंड थ्री. हमें तीन नैंड गेट चाहिए और दो एक्सॉर गेट चाहिए. एक्सॉर गेट का आईसी नंबर है 7486. तो ये मेरा पास 7486 है, ये हमें दो चाहिए. अब हमें तीन सोर्सेस चाहिए इनपुट के लिए. तो अब यहाँ पे जाओगे डिजिटल सोर्स, इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट, एक ये दो और ये. तो हमारे पास तीन सोर्सेस आ गए. अब हमें तीन इंडिकेटर चाहिए, सॉरी दो इंडिकेटर चाहिए. ये हमारा आ गया और ये यहाँ. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द कनेक्शंस. फर्स्ट इसका नाम चेंज कर लेते हैं हम. इसका नाम है हमारा ए. यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं बी.
और इसका नाम रख लेते हैं सी। तो हमारे पास ए बी सी तीन इनपुट्स हैं और अब हम करते हैं कनेक्शन। सो दिस इज द इनपुट ए, ये हमारा बी इनपुट है और इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा वायर किस इनपुट का है। और यहाँ पे हमारे पास सी है तो सी हमारा यहाँ पे इस यहाँ पे कनेक्ट कर और इसका कलर भी हम अलग रख लेते हैं। ये मेरे पास ओके। सो नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट कलर्स ऑफ वायर्स वी आर यूजिंग फॉर ए बी सी एंड ए बी एंड सी। सो नाउ वी आर कनेक्टिंग द आउटपुट ऑफ दिस XOR गेट टू दिस फॉर दिस इनपुट एंड हियर वी आर गेटिंग द सम। अब इसके बाद हमारा ये आउटपुट जो है यहाँ पे इस गेट को यहाँ से कनेक्ट करना है हमने और ये मेरा सी वाला इनपुट यहाँ पे आएगा। अब हमने यहाँ पे जो है हमारा ए के साथ कनेक्ट कर दिया और बी जो यहाँ से आ रही है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एंड Now we have a output. तो ये हमारा बन गया full adder circuit by using XOR gate and NAND gate. तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा सा बिजी रहेगा। Okay. तो अब मल्टी सिम को स्टार्ट करते हैं, इसका जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए। सो स्टार्ट विद वी हैव ए जीरो बी जीरो एंड सी जीरो। जब हमारे पास तीनों ही वैल्यू जीरो होगी तो हमारा कोई भी सम और कैरी नहीं आएगा। देन हम सी को वन करेंगे और ए भी जीरो रहेगा। इन दैट केस सम इज वन एंड कैरी इज जीरो। तो इसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास सम है और यहाँ पे हम इसका नाम कैरी कर लेते हैं सो दैट हमें पता चलता रहे कि कौन सा आउटपुट क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अब हमारे पास पहला केस था ए बी सी जीरो तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा था। दूसरा केस है ए बी जीरो सी वन तो हमारा सम वन है। नेक्स्ट केस ए जीरो बी वन एंड सी जीरो अगेन वी हैव अ सम वन एंड कैरी जीरो। देन वी हैव अ बी वन सी वन एंड ए जीरो। नाउ वी हैव अ कैरी वन एंड सम जीरो। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ केस ए वन बी जीरो सी जीरो सम वन कैरी जीरो। नेक्स्ट केस ए वन बी जीरो एंड सी वन एंड वी आर गेटिंग द कैरी आउटपुट एंड सम जीरो। नेक्स्ट वी हैव अ ए वन बी वन एंड सी जीरो वी आर गेटिंग द कैरी एंड नो सम और जीरो फॉर द सम एंड वन फॉर द कैरी। नेक्स्ट वी हैव अ ऑल थ्री इनपुट्स आर वन सो वी आर गेटिंग सम एंड कैरी। This way you can make a circuit by using XOR gate and NAND gate ICs for the full adder circuit. तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने फुल एडर को बनाना था XOR gate और NAND gate की मदद से और हमने इसका लॉजिक सर्किट बनाया है ऑन द मल्टी सिम। थैंक यू वेरी मच।